तो जैसा कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन के बारे में, राइट? सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ फर्दर डिस्कशन ऑन प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एक छोटा सा क्विक रिविजन्स कर लेते हैं। कुछ मुझे बताएगा एनीवन? अनिरुद्ध, व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेन, क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है? अनिरुद्ध, द प्लेन इन विच शेयर स्ट्रेस इज जीरो, दैट प्लेन इज प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेस अलोंग दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। इट मीन्स व्हाट कि अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि हम किसी भी एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, इफ वी अप्लाई एनी फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी पी, सिग्मा एक्स की वैल्यूज के रिस्पेक्ट जो डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे सिग्मा एक्स डिफाइन हो रहा है, तो आप क्या देखोगे कि इस फोर्सेस की वजह से, इस स्ट्रेसेस की वजह से हर एक प्लेन में आपका एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, राइट? अब ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यूज मैक्सिमम इधर रहेगी जहां पे आपका शियर स्ट्रेस की वैल्यूज क्या रहेगी, जीरो रहेगी, राइट? उस पर्टिकुलर प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे या प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो जब भी प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात आती है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस मीन्स द प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, दैट इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल प्लेन, एंड द प्लेन अलोंग विच स्ट्रेस इज एक्टिंग, इट इज डिफाइंड एज प्रिंसिपल स्ट्रेस। इट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, राइट? अब यहाँ पे दो तीन चीजें जो टर्म्स निकल के आएगा दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आपका क्या। एक पहले आता है आपका कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, राइट? एक हमारा निकल के आता है कि व्हाट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, राइट? तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज स्टेट ऑफ स्ट्रेस? यस आदित्य, हाँ एनीवन टेल मी व्हाट इज स्टेट ऑफ स्ट्रेस प्रणाली, आप बता सकते हो व्हाट इज स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेसेस। एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्टली। अगर हम बोलें इट इज डिफाइंड एज एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस, इसका मतलब है जब किसी एक बॉडी पे फोर्स लगता है तो हमने बोला कि उसके इंटरनल सिस्टम में एक एलिमेंटल बॉडी को हमने डिफाइन किया, उस पर्टिकुलर एलिमेंटल बॉडी में जो भी स्ट्रेसेस एक्ट कर रही है दैट इज डिफाइंड एज योर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है? सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन वो प्लेन होता है कि अगर आपने कोई एक प्लेन को डिफाइन किया थीटा डिग्री एंगल पे, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन होगा वो थीटा प्लस 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? तो अगर आपने एक प्लेन डिफाइन किया कि भाई आपका एक प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमने बोला कि थीटा पी है, इस थीटा पी एंगल पे प्रिंसिपल प्लेन एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि जो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, तो वो होगा थीटा पी प्लस 90 डिग्री। तो हमें हमेशा ये पता है कि सिग्मा जो मेजर प्रिंसिपल एक्सिस है या जो प्रिंसिपल प्लेन है, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, व्हेन इफ इट इज अकर एट थीटा बी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन जो है होगा वो थीटा टू पे एक्ट करेगा, यानी कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल प्लेन। सो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन लेट्स समराइज व्हाट वी स्टडीड इन द प्रीवियस सेक्शन। पहला कि अगर हमें कभी भी ये निकालना हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एनी पर्टिकुलर प्लेन, किसी भी पर्टिकुलर प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है. सो दैट इज डिफाइंड एज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा. दैट इज अ डेफिनेशन कि आप किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे किसी भी प्लेन पे उस प्लेन का नॉर्मल वैल्यू क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यू क्या है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो. सिमिलरली आप उसी पर्टिकुलर प्लेन के उसका शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा. दैट इज वन थिंग. थर्ड पार्ट है कि इस इक्वेशंस के को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें दो इक्वेशन मिलती है. फर्स्ट इट इज डिफाइंड एज अ मेजर प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, दैट कैन बी डिफाइंड एज सिग्मा वन व्हिच इज आल्सो टू बी रिटन एज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू of whole square plus tau xy of square, right? Fourth equation, अगर हमको major मिल रही है तो एक minor principal stress values भी हमें मिलती है. That is defined as sigma 2, which is defined as sigma x plus sigma y by 2 minus अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू ऑफ होल स्क्वायर ऑफ टाउ एक्स वाई स्क्वायर, राइट. नाउ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेजर प्रिंसिपल एक्सिस अकर एट थीटा पी एंगल पे, सिमिलरली माइनर प्रिंसिपल एक्सिस इज अकर एट थीटा पी प्लस 90 डिग्री पे. प्लीज डू रिमेंबर दिस वन. नाउ this is the this condition we have defined. इसमें से अगर हम conditions को निकालना चाहेंगे, what is the value of theta p? So we can write down where tan theta 2p is also to be written as 2 tau xy upon sigma x minus sigma y. All these equations we have already defined. Please remember. Now the fifth point. The fifth point, it is defined as what is the value that is defined as a maximum shear stress, right? अभी तक हमने क्या define किया था? Maximum principal stresses. अब हम क्या define करने जा रहे हैं? Maximum shear stresses. So in case of maximum shear stress, tau max can also be defined as sigma 1 minus sigma 2 by 2, which is defined as under root sigma x minus sigma y by 2 of whole square plus tau xy of square. Remember, this is always occur at theta p plus 45 degree p. This value is always occur at this one. In this plane, your normal value kya hai? Normal stress ki agar values nikalna chahe, that is sigma n. So in this plane, sigma n ki values can be written as sigma 1 plus sigma 2 by 2. Class, is it very clear ki jo abhi humne yahan pe likha hai, isme kisi koi doubt ya discussions ki zarurat nahi hai, right? Hum aage badh sakte hain. Hello. Hello. Satyam. Haan sir, ye sab बायएक्सियल लोडिंग के लिए है ना? देखो, अब एक चीज समझो, ये एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है.
अब इस जनरल इक्वेशन से अब हम देखो इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पहली कंडीशंस को अगर हमने बोला कि यूनिएक्सियल, ठीक है राइट, तो जब भी हम यूनिएक्सियल्स की बात करते हैं हमने बोला कि सिग्मा एक्स की वैल्यू तो रहेगी, ठीक है, देयर मस्ट बी सम वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स, बट सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू जीरो, राइट, सिग्मा जेड इक्वल्स टू जीरो, एंड आपका उस कंडीशन में कोई भी मतलब शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करता, टाउ एक्स टाउ वाई की वैल्यू भी हमने कंसीडर किया जीरो कर दिया। सो इन अ केस ऑफ यूनिएक्सियल कंडीशन, जस्ट सी दिस कंडीशन, अगर आप इस इक्वेशन में सिग्मा एन की वैल्यूज को डिफाइन करते हो तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा ना, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, टाउ एक्स वाई साइन थीटा की वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई टू सिग्मा एक्स बाई टू कॉस टू थीटा, राइट। अच्छा इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सिग्मा वन की वैल्यूज को अगर आप समझ रहे हो तो भी तो सिग्मा वन की वैल्यू सिग्मा एक्स बाई टू आएगी, ठीक है, सिग्मा टू की जो वैल्यूज है वो भी तो कुछ चेंज होगी ना यहाँ से। तो तुमको क्या है कि यूनिएक्सियल कंडीशन में भी सिग्मा वन एंड सिग्मा टू की वैल्यूज मिल रही है, शियर स्ट्रेस की वैल्यूज मिल रही है ना, तो बेस्ड ऑन योर लोडिंग कंडीशन तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो ना। अभी जैसे बोला मैंने कि ये बाई एक्सियल कंडीशन, अब बाई एक्सियल कंडीशन में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों की वैल्यूज है, इंस्टेड ऑफ सिग्मा जेड की वैल्यू जीरो है, राइट, तो ये जो इक्वेशन है ये डेफिनेटली बाई एक्सियल स्टेट ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे थर्ड वैल्यू जब हम बोलते हैं तो हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इसमें क्या है, इसमें आपका नॉर्मल स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है और शियर स्ट्रेस भी एक्ट कर रहा है, तो ये जो इक्वेशन आपकी बन के आई कि सिग्मा एक्स इक्वल टू दिस वैल्यू, ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इसको इस अपनी कंडीशन के हिसाब से रिड्यूस कराते जाओ, जो जो लोडिंग कंडीशन दी हुई उसके अकॉर्डिंग वहां पे वैल्यूज रखो, यू विल गेट दिस, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट कंडीशंस को देखते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, वी मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। लेट्स इमेजिन इन अ केस ऑफ प्योर शियर, राइट, प्योर शियर का मतलब क्या है, देर इज नो नॉर्मल स्ट्रेस, राइट, नो नॉर्मल स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। तो लेट्स ड्रॉ दिस कंडीशंस कि व्हाट इज प्योर शियर केस, होता क्या है और उसको कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो एक बॉडी है, एक सर्कुलर शाफ्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉर्शन वैल्यूज डिफाइन है, टॉर्शन यानी कि टॉर्क उसमें एक्ट कर रहा है। अगर हमने बोला कि दिस इज योर टॉर्शन कंडीशंस, तो जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें कि भाई इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस में कौन कौन सा वैल्यूज एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या आपका कोई नॉर्मल वैल्यूज स्ट्रेस एक्ट कर रहा है एक्स डायरेक्शन पे या वाई डायरेक्शन पे, नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि टॉर्शन है तो यहाँ पे सिर्फ शीयर स्ट्रेस एक्ट करेगा, तो वी आर डिफाइन दैट वैल्यू दैट इज टाउ एक्स वाई, वी हैव ऑल्सो डिफाइंड टाउ एक्स वाई एंड हियर इन दिस केस टाउ एक्स वाई, राइट, तो वी हैव डिफाइंड। अब बेस्ड ऑन दिस कंडीशन चलो हम इसमें, ये आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस बन गया बिकॉज ऑफ द प्योर शीयर के केस में। तो हमने एक प्लेन लिया, इस प्लेन को कट किया और हमने बोला कि भाई अब इस थीटा प्लेन पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कोई नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू एक्ट करेगी क्या या कोई शियर स्ट्रेस की वैल्यू एक्ट करेगी क्या, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ द स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशंस, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे डिफाइन किया, अब हमने क्या बोला कि सिग्मा एक्स हियर इन दिस केस की वैल्यू जीरो है, सिमिलरली सिग्मा वाई की वैल्यू भी जीरो है, यस और नो, आई बिलीव दिस कंडीशन इज क्लियर टू एवरीवन, राइट।
Now, just tell me one thing. Can we write sigma n key values is particular plane pe agar hame calculate karni hai, so we again write the same equation, that is sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 of cos 2 theta plus 2 plus tau xy sin 2 theta. Just tell me one thing. अगर सिग्मा एक्स की वैल्यू जीरो है, सिग्मा वाई की वैल्यू जीरो है, तो ये क्या है? ये पूरा वैल्यू जीरो हो गया. दिस वैल्यू इज आल्सो जीरो. इट मींस व्हाट? कि सिग्मा एन की जो वैल्यू है, दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज टाउ एक्स वाई शियर स्ट्रेस इनटू साइन टू थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका मतलब आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कब रहेगा? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे रहेगी. जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे रहेगी, जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो आपका शियर स्ट्रेस की वैल्यू के इक्विवेलेंट रहेगा क्या? तो इट मींस व्हाट? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपका नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितना रखा है? टाउ एक्स वाई. इज इट क्लियर? क्लास यस और नो? सिमिलरली अब हम यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यूज को कैलकुलेट करें, तो टाउ की वैल्यूज को अगर डिफाइन करते हैं, क्या हम लिख सकते हैं? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू ऑफ साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई ऑफ कॉस टू थीटा, राइट? अब यहाँ पे भी अगर वैल्यूज को देखोगे तो टाउ शियर स्ट्रेस की वैल्यूज क्या है? इट इज डिफाइंड एज माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, राइट? अब अगर हमने बोला कि चलो एट 45 डिग्री पे, एट थीटा की वैल्यू अगर हम डिफाइन करते हैं 45 डिग्री पे, जहां पे अभी आपने नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या देखी थी? मैक्सिमम थी. एट पर्टिकुलर वैल्यू 45 डिग्री पे देखा कि टाउ की जो वैल्यू है, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, दैट वैल्यू इज जीरो. इट मीन्स वॉट कि एट 45 डिग्री इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल प्लेन इन अ केस ऑफ प्योर शियर. यस और नो? तो थीटा पी जो है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल प्लेन. क्लियर है? तो अगर हम इस चीजों को थोड़ा सा डिफाइन करें और इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करें, तो यहाँ पे हम एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, मतलब अगर अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने क्या देखा कि एट 45 डिग्री पे ये वाला जो कंडीशन है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं. सो दैट इज, दिस इज योर प्रिंसिपल प्लेन. तो प्रिंसिपल प्लेन में सिग्मा एन की वैल्यू कितनी है? टाउ एक्स वाई, जो कि इक्वल कितने हैं? सिग्मा वन के बराबर, राइट? जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, दिस वन, दिस वैल्यू. अच्छा, दिस थीटा प्लस 90 डिग्री आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन बनेगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन की जो वैल्यूज है वो कितनी रहेगी? सिग्मा एन डैश विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस टाउ एक्स वाई विच इज डिफाइंड एज सिग्मा टू. यस, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट वैल्यू. हियर इन दिस केस टाउ की वैल्यूज कितनी है? शियर स्ट्रेस टाउ इज जीरो. हियर इन दिस केस शियर स्ट्रेस टाउ इज ऑल्सो जीरो. So this is defined as sigma 1 and this is defined as sigma 2. Shear stress tau ki value 0, shear stress tau ki value 0. Class, kisi ko koi doubt hai kya isme? Just tell me, just ask me. Hmm?
का. इज दैट क्लियर? जस्ट टेल मी यस और नो. इन अ केस ऑफ प्योर शियर और प्योर टॉर्शन दिस कैन बी रिटन यस और नो. क्लास प्लीज आंसर मी. यस हसन. There, is it clear? Yes, sir. Okay. Right. Anirudh? Yes, sir. Yes, sir. Great. I believe this pure state of stress condition is clear to everyone. Okay. Right? Okay. So, this condition means what? Let us understand. Agar hum dekhen to torsion on shaft छोड़ के भी बहुत सारे केसेस जहां प्योर शियर बनता है. इन दैट केस अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिग्मा वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा टू एंड ऑल दैट वैल्यू इज टू बी डिफाइन एज टाउ एक्स वाई. राइट. तो एट एट दिस कंडीशन वी कैन डिफाइन दिस वैल्यू. यस और नो? नाउ इफ यू आर मूविंग अहेड, if it is clear to everyone, let's understand the further condition. कि अगर हमने बोला कि if you have isotropic state of stress, isotropic state of stress, isotropic state of stress, it means defined as कि sigma one is also equals to sigma two. अब आइसोटॉपिक कंडीशंस क्या होती है कि प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट इन एवरी डायरेक्शन. राइट. तो अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें कि भाई व्हाट इज आइसोटॉपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि चलो दिस इज योर सिग्मा वन, दिस वन इज योर सिग्मा वन, दिस वन इज योर सिग्मा वन एंड दिस वन इज योर सिग्मा वन. राइट. अब हम एक थीटा प्लेन को कंडीशन करें, दिस इज योर थीटा. अब दिस इज आइसोट्रॉपिक टेंसाइल कंडीशन रिप्रेजेंट किया हमने. राइट. तो हम यहाँ पे आइसोट्रॉपिक कंप्रेसिव वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यस. तो चलो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, दिस वैल्यूज इज सिग्मा, दिस वैल्यूज इज सिग्मा, दिस सिग्मा, दिस सिग्मा, और हमने यहाँ पे कंडीशन को डिफाइन किया. हियर इन दिस केस सिग्मा वन इज डिफाइंड एज ऑफ माइनस सिग्मा. Here in this case, sigma values, sigma 1 is defined as the values of sigma, a positive value. अगर हम इस conditions को देखें, तो क्या हम इस particular theta plane पे normal stress calculate कर सकते हैं? Yes. तो यहाँ पे sigma 1, sigma x की और sigma y की values लिखा, तो sigma 1 by sigma 1 by 2 plus, अब देखो sigma 1 minus sigma 2 की जगह भी sigma 1 by 2 cos 2 theta. अब ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू जीरो. सो इट मींस व्हाट कि नॉर्मल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज सिग्मा 1. राइट. और शियर स्ट्रेस की वैल्यूज को कैलकुलेट करो. तो शियर स्ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा. राइट. अब देखो शियर स्ट्रेस कुछ एक्ट कर ही नहीं रहा है टॉपिक में. This values is equal to this one. This value is also zero. It means that tau is equals to defined as zero, right? So यहाँ पे एक समझने वाली बात है, वो क्या है? Let us write this point also. At isotropic state of stress, if I say the isotropic state of stress is independent of reference, right? Reference or frame of reference, best way. Isotropic state of stress is independent of frame of reference.
इसका क्या मतलब हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें, राइट, इसका मतलब क्या है कि ऑल डायरेक्शंस, ऑल प्लेन्स इन आइसोट्रॉपिक आर प्रिंसिपल प्लेन। मतलब किसी भी प्लेन पे आपका शियर स्ट्रेस की वैल्यूज जीरो है। ऑल द प्लेन द शियर स्ट्रेस वैल्यूज इज जीरो बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ थीटा, राइट, क्योंकि यहाँ पे ही ये टर्म जीरो हो जा रहा है। थीटा की कोई भी वैल्यूज रखो, शियर स्ट्रेस की वैल्यूज क्या है, जीरो है, राइट। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल की क्या हो सकता है अगर आइसोट्रॉपिक कंडीशंस को अगर हम देखना चाहें, तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपका प्योर, आपका जो थिन थिन स्फीयर है, थिन स्फीयर विथ थिन स्फीयर विथ इंटरनल प्रेशर will be isotropic state of stress. It's always remember thin sphere with internal pressure represent isotropic state of stress की values को represent करता है। कैसे, let's see, हमने यहाँ पे draw किया, चलो suppose करो this is your thin sphere condition से. इस थिन स्फीयर की कंडीशंस में एक इंटरनल प्रेशर है, हमने यहाँ पे एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया। हर एक स्ट्रेस, हर एक एलिमेंट ऑफ स्ट्रेस को अगर हम देखें तो सिग्मा की जो वैल्यूज है वो रिप्रेजेंट होगी पी आर बाय टू टी, टी इज द थिकनेस, आर इज द रेडियस, एट डिफरेंट वैल्यू सिग्मा इज इक्वल्स टू पी आर बाय टू टी, एवरीवेयर द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस सिग्मा इज PR by 2T, that is PR by 2T. तो अगर हम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यूज को देखेंगे तो इट इज सेम, राइट, दिस वैल्यू इज डिफाइंड एज अ सेम कंडीशन। क्लास इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ओके, अगर ये थोड़ी सी चीजें समझ में आ रही है, we are going to solve some of the question first to give you a better clarity. Question number 2016 ka hai, 1 marks ka question hai. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, राइट, इन्होंने क्या बोला, अ शाफ्ट विद अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट, राइट, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम शियर टू द लार्जेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज, जस्ट टेल मी, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। I want answers from everyone actually. Please participate in this discussion. One. Who said one? Omkar. Omkar. Omkar, one is the right answer. Agar hum yahan pe dekhne ki koshish kare, just now we have discussed this condition ki a shaft with a circular cross section is subjected to pure twisting, right? अगर हम इस कंडीशंस को देखें तो प्योर ट्विस्टिंग का केस है। तो प्योर ट्विस्टिंग का मतलब क्या है कि आपका सिर्फ टॉर्जन वैल्यूज एक्ट कर रही है, तो उस केस में कैलकुलेट किया तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ की जो मैक्सिमम वैल्यूज है टू द लार्जेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज, तो टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम, अगर हम देखें तो कैन वी राइट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस,
यस और नो। अब ये मैक्सिमम वैल्यूज को अगर आप देखें तो सिग्मा वन की वैल्यू कितनी है, टाउ एक्स वाई थी, सिग्मा टू की वैल्यू माइनस ऑफ टाउ एक्स है, यानी कि माइनस और माइनस प्लस, so that is defined as tau xy by 2, this is defined as tau xy, right? This is defined as the ratio of the maximum to the largest principal stress. So sigma 1 आपका largest principal stress था जिसकी value tau xy थी, इन दोनों का ratio लोगे so that is representing as 1. Now is this clear to everyone? जोर से बोलो सत्यम, तुम कहीं माइक को दूर रख के बात करते हो, मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आती है। हेलो, हाँ बोलो सत्यम। सिग्मा 2 की वैल्यू भी टाउ एक्स वाई है ना, माइनस टाउ एक्स वाई नहीं, माइनस ऑफ एक्स वाई है। देखो तुम यहाँ पे एक ही समझ नहीं रहे हो, सिग्मा 1 जो है मेजर प्रिंसिपल एक्सिस अक्रॉस थीटा पी एंगल पे, राइट? सिग्मा 2 की जो वैल्यूज है वो 90 प्लस थीटा पी पे वैल्यूज रिप्रेजेंट करती है, राइट? यस सर। तो इट इज ऑफ माइनस ऑफ सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। If it is clear, please solve question number 21. Please solve question number 21. क्या बोला है? The state of a stress at a point on an element is shown in figure A. The same state of stress is shown in another coordinate system in figure B. The component tau xy, xxy, tau xx, tau yy and tau xy are given by. आपको ये calculate करना. क्लास ये याद रखना कि ये दिस इज बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आपने ये वैल्यूज को डिफाइन किया है, तो ये कहीं मिलता जुलता है आपके लिए। अभी क्लास Just tell me this answer, right? Quickly, fast. I'm waiting.
हेलो क्लास, आपने सॉल्व किया ये क्वेश्चन? एनीवन? अच्छा मुझे बस इतना बताओ, जस्ट सी दिस कंडीशन, क्या ये आपको इधर हियर इन दिस केस, अगर हम यहाँ पे ये प्योर टॉर्शन का केस आपको किसी को नजर आ रहा है क्या ये? आपने इसके बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन किया दिस वन, अभी आपने एक कॉम्प्लेक्स, आपने जब नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया राइट, तो आपने क्या प्योर टॉर्शन के केस में कुछ इस टाइप से स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया था क्या, जो कि 45 डिग्री था, दिस इज योर सिग्मा वन, this is your sigma 1, this is your sigma 1, sorry this one is this one sigma 1 or your sigma 2 which is equals to minus tau xy minus tau xy right, ye minus ka matlab kya hai, direction hi show kar raha hai na, to kya hum isko opposite direction mein show kar sakte hain? yes right, to ye jo tau xy yahan pe hai, तो इधर भी tau xy लग रहा है, कंप्रेसिव कंडीशन, यहाँ पे टेंसाइल कंडीशन इस प्लेन पे एक्ट कर रहा है, तो क्या ये प्योर टॉर्शन केस है? यस, इट इज अ केस ऑफ प्योर टॉर्शन। तो जस्ट इमेजिन कि इफ आई से इट इज अ केस ऑफ प्योर टॉर्शन, तो tau xx एंड सॉरी tau yy एंड tau xx जो कि रिप्रेजेंटिंग है सिग्मा x एंड सिग्मा yy, दिस वैल्यू शुड बी जीरो, यस और नो? अब आपको सवाल पूछता है कि ये tau xy की वैल्यू, हियर इन दिस केस tau xy की वैल्यू को सॉल्व करना, तो भाई tau xy कैसे आप सॉल्व करोगे? तो मैक्सिमम tau max की वैल्यूज है कितनी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा y 2, क्योंकि आपने देखा कि tau x थी राइट। अब यहां पे tau x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? p व्हिच इज डिफाइंड एज p, तो इसका मतलब आंसर शुड बी 0 0 p, यस और नो? अनिरुद्ध, यस, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेम्बर दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। Class, everyone ready with your calculator? You need it actually. Just solve question number 19. और कुछ टर्म्स हैं इसको आपको याद रखना है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, व्हाट इज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, आई विल कम विद दिस कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या है। प्लेन मतलब एक प्लेन पे जो आपका स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, दैट इज डिफाइंड एज अ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, एक प्लेन टू डायमेंशनल कंडीशंस पे, यानी बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। हाँ बोलो, हू सेड? सर 50, 50 इज द राइट आंसर। क्लास यू हैव टू बी क्विक राइट, जस्ट टेल मी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ। देखो दिस इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन, इट टेक हार्ड मच टाइम। सिग्मा एक्स की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा वाई की वैल्यू दी है, टाउ एक्स वाई की दिया आपको, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 व्हिच इज आल्सो डिफाइंड एज अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यू पुट दिस वैल्यू यू विल गेट 50 एमपीए। सिंपल, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ एट अ पॉइंट इज गिवन बाय सिग्मा एक्स की वैल्यू माइनस 6 4 एंड टाउ एक्स की वैल्यू माइनस 8। द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस पूछा है आपसे एट द पॉइंट इज इन मेगा पास्कल, तो वो दैट इज यू कैन आल्सो फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन।
सेम इक्वेशन लगाओ यू विल गेट द रिजल्ट. क्लास क्लियर है? नाउ टेल मी क्वेश्चन नंबर. कोई मोर सर्किल पढ़ाया नहीं है तो उससे नहीं मैं पूछूंगा. The state of plane stress at a point is given by sigma x, sigma y, and tau x y. The maximum shear stress. क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को अब हमें सॉल्व करने की जरूरत है? क्वेश्चन नंबर 16. जस्ट टेल मी. हाँ, आपको एक फॉर्मूला दिया, एक इक्वेशन दिया है. जस्ट पुट दैट वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट. सिंपल, एज सिंपल एज दैट. आया ना? सो जस्ट क्लास जस्ट से यस और नो. See in this condition is the principal stress. This is principal stress in a plane. Stress problems are sigma 1 and sigma 2, the magnitude of the maximum shear stress in megapascal. This to be very simple question now. Okay. Okay. Just one more question. One more question class. One more question. फिर उसके बाद जो है हम आपका अगर आप 7.12 यानी कि नहीं हाँ 13 नंबर क्वेश्चन. अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर 100 mm इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल स्ट्रेस ऑफ 50 मेगापास्कल. इट इज फर्दर सब्जेक्टेड टू 10 किलो न्यूटन मीटर. द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सपीरियंस ऑन द शाफ्ट इज क्लोजेस्ट टू. मैं ये व्यू चेंज करता हूं. आई बिलीव इज दिस विजिबल टू एनीवन? नो नो राइट, दिस इज नॉट विजिबल. बट अगर आपके पास अपने पीडीएफ हैं वो निकाल, आप उसको ओपन कर लो और क्वेश्चन नंबर 13 करो. प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13. आई वांट आंसर दिस. जस्ट टेल मी द आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 13. एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है जिसका डायमीटर 100 एमएम है. Is subjected to an axial stress of 50 megapascal. It is further subjected to a torque of 10 kilonewton meter. आपको क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड. तो लेट अस ड्रॉ दिस कंडीशंस. इन्होंने क्या बोला कि एक शाफ्ट है, ठीक है, दिस शाफ्ट जो कि एक्सियल स्ट्रेस है एक्ट कर रहा है, इसका डायमीटर है 100 mm. सिग्मा एक्सियल स्ट्रेस लग रही है, टॉर्क एक्ट कर रहा है, ठीक है. यू नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सपीरियंस ऑन द शाफ्ट. किसी को याद है क्या कि ये वैल्यूज कितनी थी एक्सियल? एक्सियल वैल्यूज है 50 मेगापास्कल. दैट वैल्यूज इज डिफाइंड एज अ 50 मेगापास्कल और टॉर्क जो है वो 100 किलो न्यूटन पर एक्ट करता है. 110 किलो न्यूटन मीटर. ओके. सर 82 दिस इज ऑफ 50 एमपीए था राइट, और जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो है 10 किलो न्यूटन मीटर. एंड यू आर टेलिंग मी द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 82 राइट, 82 मेगापास्कल. ओमकार कैसे आपने सॉल्व किया है? 82 कैसे आया? जस्ट इलैबोरेट दिस. सर वो टॉर्शन इक्वेशन है ना, वहां से पहले टाउ निकाला और फिर एक एक्सियल फोर्स है 50 मेगापास्कल का और टाउ है 50.92 का, तो उससे सिग्मा वन निकाला. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें कि टॉर्क की जो वैल्यूज है, द टॉर्क शियर स्ट्रेस अगर हम निकालना चाहें तो वी कैन राइट डाउन पाई डी क्यू राइट. दिस इज द वैल्यूज ऑफ टॉर्क एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यूज को
कैलकुलेट करता है। अब ये वैल्यूज आई कहाँ से, ये वैल्यूज आई है टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर के बेसिस पे, ठीक है। तो आपने इस इक्वेशन के बेसिस पे इसको इक्वेट किया और 16 वैल्यूज दी हुई है तो 10, तो आपने यहाँ से टॉर्क कैलकुलेट कर लिया। सिग्मा एक्स की वैल्यूज यूनिएक्सियल दी हुई है, दैट इज डिफाइंड एज 50 मेगा पास्कल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई, जीरो। इसका मतलब अब आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस वन यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, तो सिग्मा एक्स बाई टू प्लस, अब देखो सिग्मा वाई की वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू जीरो था अंडर रूट, तो यहाँ पे भी सिग्मा एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यू पुट दिस वैल्यूज आपको एक इक्वेशन मिलेगी। ओमकार यस और नो? हाँ यस सर। ठीक है, तो योर आंसर इज 82 MPa मेगा पास्कल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लास सर फर्स्ट पार्ट नहीं समझ में आया। फर्स्ट पार्ट मतलब ये वाला टी बाय जे। हां ओके, तो किसने मेरे से पूछा है? मैं धैर्य सर। धैर्य, ओके धैर्य। देखो अगर हम इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं, हमने क्या बोला कि आपका एक 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 शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट है, बराबर है। इस सर्कुलर शाफ्ट में एक एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड है सिग्मा एक्स, हमने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड है 50 मेगा पास्कल, ठीक है। इसी सिस्टम में एक टॉर्शन टॉर्क एक्ट कर रहा है, टॉर्क टी, ठीक है। अब जस्ट टेल मी वन थिंग, एक एलिमेंटल स्टेट ऑफ स्ट्रेस को जब आप ड्रॉ करोगे तो इस टॉर्क की वजह से इसमें शियर स्ट्रेस डेवलप होगा ना, राइट। तो जस्ट टेल मी कि एक टॉर्क की वजह से कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, दैट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो टॉर्शनल इक्वेशन हमको यूज होती है टी बाय जे इज इक्वल्स टू टाउ बाय आर। अब जे क्या है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज डिफाइंड एज पाई बाय 32 डी टू द पावर 4 राइट। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो टाउ की वैल्यूज आती है 16 टी बाय पाई डी क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको टॉर्क की वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। अब इस प्लेन में आप देखोगे कि एक सिग्मा एक्स एक्ट कर रहा है, राइट। हियर इन दिस केस सिग्मा वाई की वैल्यूज है जीरो, सिग्मा वाई की वैल्यूज है जीरो, राइट। तो आपको क्या रखना, आपको सिंपल एक कंडीशन दी हुई है सिग्मा वन सिग्मा टू की वैल्यूज को कैलकुलेट करना, उस इक्वेशन में रखो, यू विल गेट द रिजल्ट। यस क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस। ओके ग्रेट, लव नाउ मूविंग टू आवर सेक्शन, जो अभी हमने देखा था आइसोट्रॉपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस और उसके बेसिस पे चीजें हमने डिफाइन की हुई थी, राइट। ग्रेट, ओके, कैन वी मूव अहेड और हम थोड़ा सा मोर सर्कल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्लास इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैन वी मूव विद द मोर सर्कल्स? मोहर सर्किल, मोहर सर्किल इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू कैन से स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशंस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंडीशंस को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, मोहर सर्किल्स क्या है। उसके पहले हम सिर्फ एक सिंपल इक्वेशन आपके सामने लिखने की कोशिश करते हैं, सिग्मा एन, सिग्मा एन की वैल्यूज को आपने अगर देखा है तो दिस इज ऑलरेडी रिटन है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस। अब लिसन प्रॉपरली, जो भी इक्वेशन में लिखने जा रहा हूँ आपको उसको कोरिलेट करना है, ठीक है। तो जो पढ़ा है उससे कोरिलेट करते जाइए कि क्या क्या ये आपने पढ़ा है क्या, और उसको समझने की कोशिश करिए। सिर्फ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा, राइट, प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। यस, दिस इक्वेशन यू हैव नोन टू एवरीवन। उसी तरह से
टाउ की जो वैल्यूज है शियर स्ट्रेस की वैल्यू से कैन बी रिटन एज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स फाइव कॉस टू थीटा राइट. सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में कितना नॉर्मल स्ट्रेस है यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ सिग्मा एन वैल्यूज. सिमिलरली उसी पर्टिकुलर प्लेन पे शीयर स्ट्रेस की वैल्यूज क्या कितनी है यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस. क्लियर? ओके. नाउ हियर इन दिस केस आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट सिग्मा एन की वैल्यूज को एक्स बोला और टाउ की वैल्यूज को वाई बोला सपोज राइट. तो अब हम इक्वेशन नंबर वन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा को रिलेट करते हैं, थोड़ा चेंज करेंगे राइट. तो इफ आई राइट सिग्मा एन इज एक्स तो क्या हम ये लिख सकते हैं डिफरेंट फॉर्म से एक्स दैट इज सिग्मा एन माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू विच इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा राइट. अब ये वाई वाली कंडीशंस को हम समझने की कोशिश करें ठीक है. तो हमने लिखा वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा प्लस यस आई बिलीव दिस इज इक्वेशन ये सबको समझ में आ रहा है. y का मतलब है tau xy, x का मतलब है sigma n की वैल्यूज ठीक है. अब हम इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड के राइट वी आर गोइंग टू डू स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो दिस इज डिफाइंड एज y स्क्वायर, दिस इज डिफाइंड एज दिस वन ओके ठीक है. चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करें यहाँ तक अगर आपको क्लियर है. अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर फोर अब हम इस इक्वेशंस को इलैबोरेट करते हैं. सिर्फ ये वाला पार्ट को भी करते हैं, सिर्फ ये वाले इस पर्टिकुलर पार्ट को हम देखते हैं ठीक है. तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर cos 2 थीटा है दैट इज रिप्रेजेंट cos स्क्वायर 2 थीटा. क्या कह रहे हो किसी ने कुछ कहा क्या? आई बिलीव नहीं ना. जस्ट लिसन दिस प्रॉपरली ठीक है. तो इस पार्ट को जब हमने स्क्वायरिंग स्क्वायर से इलैबोरेट किया तो क्या आ जाएगा tau xy स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा राइट प्लस टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा इंटू टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा राइट. सिमिलरली अब हमने यहां पे देखा हमने सिर्फ इस पार्ट को इलैबोरेट किया राइट. सिमिलरली हम इस पार्ट के इक्वेशन नंबर टू के सेकेंड पार्ट को इलैबोरेट करते हैं ठीक है. तो अगर हम सेकेंड पार्ट को इलैबोरेट करेंगे तो एक इक्वेशन क्या बनेगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू ये हो गया साइन टू थीटा इंटू टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा ठीक है. अब आप देखो ये एक इक्वेशन बनी आपकी ठीक है. इस इक्वेशन के आके याद रखना दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस वैल्यूज राइट. सिमिलरली इस इक्वेशन के आगे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वाई स्क्वायर वैल्यू. तो जस्ट टेल मी अगर हम सिर्फ और सिर्फ कुछ इक्वेशन नंबर फाइव को देखें और इक्वेशन नंबर सिक्स को समझने की कोशिश करें
और इन दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दें, ठीक है। तो जस्ट देखो ऐड करने पे क्या होगा, सबसे लास्ट वाला कंडीशन को देखने की कोशिश करें, ये वाला माइनस टू ऑफ दिस वैल्यू एंड प्लस टू ऑफ दिस वैल्यू, क्या ये सेम है? यस। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम जब ऐड किए ये दोनों कैंसिल आउट हुई, अब देखना ये वाली जो इक्वेशन है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर टू थीटा, राइट। तो जब ये वैल्यूज ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगी, वन। इट मीन्स वॉट, यही इक्वेशन बनेगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस, अब ये वाली कंडीशन देखो, कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा, यानी कि ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज टाउ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड की जो कंडीशन है इसको हमें लिख लिया, अब लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन को भी लिख लेते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन ये रिप्रेजेंट हो रही है, दिस वन एंड दिस वन, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, x माइनस सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई टू ऑफ होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। क्लास जस्ट टेल मी हियर, यस इज इट क्लियर, क्या ये लिखा जा सकता है, यस और नो? यस सर। दिस इज ऑल मैथमेटिकल, हमने सिर्फ चीजों को थोड़ा बहुत इधर उधर हेर फेर किया है, एवरीथिंग इज मैथमेटिकली रिटन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस कंडीशंस को समझने की कोशिश करो तो क्या मैं, अब हम इसको सिर्फ कोरिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट सी दिस कंडीशन, कैन वी राइट एक्स माइनस ए ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मुझे कोई बता सकता है क्या ये कौन सी इक्वेशन है, किस टाइप की इक्वेशन को मेरे सर्कल, सर्कल एग्जैक्टली, सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल पहली कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो अभी हमने सिग्मा एन और टाउ की वैल्यूज को रखा है इसको क्या हम सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? यस, आराम से कर सकते हैं। जिसमें से जस्ट टेल मी वन थिंग, कि अगर मैं इस सर्कल का सेंटर निकालना चाहूं तो इस इक्वेशन में सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? ए कॉमा जीरो। ए कॉमा जीरो, एक्सेलेंट। इस सेंटर का रेडियस क्या है, दैट इज डिफाइंड एज आर, ए रेडियस है ना क्लास, क्लास इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस रेडियस को आर स्क्वायर को अगर आप कंपेयर करोगे तो आर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग दिस टर्म, यस, सो व्हिच कैन बी रिटन एज व्हाट, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू ऑफ स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई ऑफ स्क्वायर का ये अंडर रूट टर्म जो है ये आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस के टर्म, ए की वैल्यूज आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस ए एंड दिस ए is representing as sigma x plus sigma y by 2 की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये सही है? हाँ, तो अगर हम यहाँ पे एक सर्कुलर फॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश करें, if I am going to draw a circle, वाह, तो सर्कल तो मैंने कभी नहीं बनाया, दिस इज द पार्ट, दिस इज वन, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, ए कॉमा जीरो, यानी कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई जीरो, जिसमें से ये पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, सपोज करो ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग रेडियस, राइट। तो अब आप देखो हमने क्या बोला कि ये एक्स एक्सिस जो था क्या इसको आप सिग्मा एन बोल रहे थे क्या, और जो y एक्सिस है इसको आप tau बोल रहे थे क्या, हाँ या ना?
क्लास जस्ट से यस और नो आई जस्ट वांट टू नो यस सर राइट तो इसके बेसिस पे अगर आप देखें तो एक्सिस एक्स एक्सिस के अबव जो भी वैल्यूज है वो शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा इट मींस व्हाट कि दिस इज द वैल्यूज ऑफ शियर स्ट्रेस एट दिस पर्टिकुलर प्लेन यस तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ रिप्रेजेंट करेगा ये मैक्सिमम वैल्यूज अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिप्रेजेंट करेगा यानी कि इसके सेंटर को जिसको हम टाउ मैक्स बोलते हैं इसका मतलब इस सर्कल का जो मैक्सिमम पार्ट आएगा उसको मेजर प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे और जो इसी नॉर्मल स्ट्रेस में जहाँ पे जो दूसरा पार्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है तो अब जस्ट टेल मी वन थिंग कि इसका ये सिग्मा वन इस वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा टू यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है तो डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या है सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू और इसका रेडियस कहलाना क्या होगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू तो ये जो टाउ मैक्स है ये रेडियस ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज इक्वल्स टू टाउ मैक्स यस और नो अब आप ये देखोगे कि टाउ मैक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर क्लियर है क्या हाँ क्लास इज इट क्लियर टू एवरीवन क्लास जस्ट टेल मी यस और नो यस सर राइट सो इट इज अ वेरी इजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस राइट अब हम केस अब हम यहां पे चीजों को डिफाइन करते हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड केस वन राइट अब केस वन का क्या रिप्रेजेंटेशन है इफ आई से कि आपका जो नेचर है वो दोनों टेंसाइल नेचर का है सिग्मा वन की वैल्यू जो है हमने बोला कि चलो इट इज 100 मेगा पास्कल सिग्मा टू इट इज डिफाइंड एज 50 मेगा पास्कल राइट अब आपको क्या डिफाइन करना है कि भाई इसमें से ये वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही है सिग्मा टू सिग्मा वन इस थीटा एंगल के बेसिस पे आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करती हैं सिग्मा एन और टाउ राइट तो आपने क्या किया चल भाई एक मोहर सर्किल को ड्रॉ करते हैं ठीक है और मोहर सर्किल को ड्रॉ करके उसको चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो इस पर्टिकुलर सेंटर से ये आपका बना अब देखो दोनों टेंसाइल नेचर है तो टेंसाइल का मतलब क्या है कि पॉजिटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंटेशन सिग्मा तो ये दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज टू बी रिप्रेजेंटिंग इन दिस केस दैट कैन बी सिग्मा एन इनटू टाउ यहां से यहां तक की वैल्यूज क्या है ये सिग्मा एन रिप्रेजेंट करेगा और यहां से यहां तक की वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करेगा टाउ दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग 100, 0 दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग 50, 0 क्लास क्लियर है क्या अब अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करो अब हम यहाँ पे केस टू लेते हैं केस टू कंप्रेसिव केस वन क्या था आपका टेंसाइल तो कंप्रेसिव होगा तो क्या होगा भाई कंप्रेसिव होगा तो आपका फोर्सेस सिग्मा वन सिग्मा टू ऑपोजिट नेचर्स को रिप्रेजेंट करेगी यानी कि माइनस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगी ना तो आपका जो वैल्यूज जो बनेगा वो बनेगा आपका इस प्लेन पे बनेगा सिंपल है कि नहीं तो ये जो है दिस इज डिफाइंड एज योर टू थीटा एंगल दिस इज डिफाइंड एज योर टू थीटा एंगल और यहां से यहां आपका आएगा सिग्मा एन यहां से आएगा आपका दिस वैल्यू विल बी माइनस 50 दिस वैल्यू विल बी माइनस 10, 0 अगर वैल्यू रिप्रेजेंट अगर माइनस 100 है तो ये माइनस 100 इधर आ जाएगा क्लास ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है क्लास जस्ट टेल मी
जस्ट से यस और नो इफ यू आर गेटिंग द थिंग. सुमन. यस सर. सत्य. हाँ सर, थोड़ा डिफिकल्ट है समझ में. थोड़ा डिफिकल्ट है बिल्कुल. जानते हो क्या है कि ये बिल्कुल एक्चुअली क्या है ना, आप लोग ये देख रहे हो इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है. जैसे ही आप पेन और पेपर उठा के इसको लिखने लगोगे ना तो तुमको बहुत इजी लगने लगेगा. ये बहुत इजी है. ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैथमेटिक्स है. ठीक है, तो मैथमेटिक्स हमेशा एक चीज याद रखना कि मैथमेटिक्स आपको हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करती है तब जब आप देखते हो. जैसे ही उसको आप अपने पेन पेपर से सॉल्व करना चालू करोगे ना, इट विल बी वेरी इजी. इट विल बी ऑनेस्टली स्पीकिंग इट विल बी वेरी इजी. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम डिफाइन करते हैं कि चलो आपके पास अगर सिग्मा 1 की वैल्यू टेंसाइल इन नेचर है, सिग्मा 2 की वैल्यूज अगर कंप्रेसिव है तो क्या होगा आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. तो हमने ये डिफाइन किया. तो अब देखो जो आपका एक्स और वाई वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो दिस विल बी योर व्हाट पॉइंट. This will be your sigma 1 की values को represent करेगा. This point is representing sigma 2 because ये compressive है, तो compressive negative values को represent करता है ना. तो ये हमारा left side की तरफ shift हो जाएगा. Class clear है? Is this clear? Class, is that clear to everyone? Okay. अब हम एक special case को consider करते हैं. Let us understand a special case which is defined as a special case 1 define kiya pure shear. Ab in that pure shear aapne kya dekha tha, sigma 1 ki values kya tha tau xy, sigma 2 ki values kya tha minus tau xy, yes or no, right? So ab aapne sigma 1 sigma 2 ki values ko define kiya to ek circle banaya. ये जो है ये पॉइंट क्या होगा सिग्मा 1, ये पॉइंट क्या होगा सिग्मा 2, राइट. सिग्मा 1.0 सिग्मा 2.0 यानी कि माइनस टाउ एक्स वाई डॉट जीरो और टाउ एक्स वाई डॉट जीरो, राइट. नाउ अंडरस्टैंड केस 2. केस 2 बोला मैंने यूनी एक्सियल लोडिंग, राइट. इन दैट केस यूनि एक्सियल लोडिंग की वैल्यूज को अगर हम डिफाइन करें, सत्यम प्लीज लिसन दिस वन, दिस इज फॉर यू. इन यूनि एक्सियल लोडिंग सिग्मा 1 की वैल्यूज तो होगी बट सिग्मा 2 वैल्यूज इज जीरो, सिग्मा 2 की वैल्यू जीरो होगी, राइट. तो दैट इज 0.0, दिस वन इज सिग्मा 1.0. This type of circle is representing uniaxial loading condition. Right? Right? Case 3. हमने बोला pure bending. Case 3 is defined as your pure bending case. So just tell me one thing. Pure bending के case में आपका, चलो पहले pure bending को define करते हैं. हमने बोला कि this is एक है, एक body act कर रही है और इसमें एक मोमेंट एक्ट कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट, राइट. तो अब इसमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है सिग्मा 1 की जो वैल्यूज है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज एम वाई बाई आई. ठीक है, तो आपको वहां पे सिग्मा 1 की वैल्यूज मिल गई है. तो प्योर बेंडिंग इज ऑलवेज डिफाइंड एज यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन. तो यही यूनिएक्सियल लोडिंग के केस को रिप्रेजेंट करेगा प्योर बेंडिंग के केस में, राइट. अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. नेक्स्ट कंडीशन आपको रिप्रेजेंट करता है आपका केस 4. केस 4 व्हिच इज डिफाइंड एज थिन सिलेंडर विथ इंटरनल प्रेशर, थिन सिलेंडर विथ इंटरनल प्रेशर. तो हमने बोला कि चलो भाई ये आपको एक सिलेंड्रिकल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको स्टेट ऑफ स्ट्रेस से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें. तो यहाँ पे दिस इज योर सिग्मा 1
एंड दिस पॉइंट इज योर सिग्मा टू. तो सिग्मा वन जो है सर्कमफेरेंशियल जो स्ट्रेस एक्ट करेगा दैट इज ई आर बाय टी. आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्ट करेगा पी आर बाय टू टी. तो आपको ये सिग्मा वन की वैल्यूज मिल गई, ये सिग्मा टू की वैल्यूज मिल गई. थिन सिलेंडर्स में आपके दो ही स्ट्रेस एक्ट करते हैं, एक सर्कमफेरेंशियल एक्ट करता है और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्ट करता है. तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, ये आपका सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, राइट राइट. तो इसके बेसिस पे अब आपको देखो सिग्मा वन की वैल्यूज मिल गई है प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा टू की वैल्यूज मिल गई है. तो क्या आप ड्रॉ कर सकते हो सिंपल और ड्रॉ कर सकते हो? आपको जैसे अभी तक आप देखा कि दिस इज डिफाइंड एज योर सिग्मा वन, दिस इज डिफाइंड एज योर सिग्मा टू. तो सिग्मा वन डॉट जीरो, सिग्मा टू डॉट जीरो, राइट. अब केस फाइव देखो क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमने क्या बोला कि आपका थिन स्फेरिकल, राइट, थिन स्फेरिकल शेल है विथ इंटरनल प्रेशर. अगर आपको याद है तो मैंने एक स्फीयर के केस में आपको कुछ एक कंडीशंस को डिफाइन किया था, कुछ याद है आपको? क्या एक आइसोट्रॉपिक कंडीशन रिप्रेजेंट किया था क्या स्फीयर का? आइसोट्रॉपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस बोला था क्या स्फीयर को? टेल मी. इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा वन की वैल्यूज क्या थी? पी आर बाई टू टी. तो हियर ऑल्सो सिग्मा टू की वैल्यू पी आर बाई टू टी आया ना. तो इसका मतलब रिमेम्बर क्लास, याद रखना यहाँ पे सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू है. तो कभी भी जब आप इसको एक मोर सर्किल्स में ड्रॉ करने जाओगे दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग ओनली अ पॉइंट बिकॉज सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू. यस और नो क्लास, जस्ट टेल मी. यस सर, यस क्लियर है. तो आपका एक और केस जो बन के आएगा विच इज डिफाइंड एज केस सिक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट. जब भी आप याद रखना इट इज डिफाइंड एज हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज योर सेम कंडीशन. यही कंडीशन आपकी बनेगी जहां पे आपका पॉइंट ही बनेगा. तो उसमें एग्जाम्पल के जैसे हो गया कि टू डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट. टू डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे मोहर सर्किल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट राइट. सिमिलरली और याद रखना अभी हम आगे भी देखेंगे इंटरफेरेंस फिट करके कंडीशंस बन के आएगी. व्हाट इज इंटरफेरेंस विल डिस्कस लेटर. इंटरफेरेंस फिट असेंबली ऑफ टू बॉडी में एक असेंबली ऐसी बनती है जिसको इंटरफेरेंस फिट बोलते हो, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज आपका हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जहां पे एक पॉइंट सर्किल ही रिप्रेजेंट करेगा, राइट. तो रेडियस जीरो, सेंटर क्या हो जाएगा? सिग्मा वन डॉट जीरो और सिग्मा टू डॉट जीरो की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेगा. इज इट क्लियर एवरीवन क्लास? क्लास क्या मोहर सर्कल्स आपको समझ में आया क्या कि आपको अगर कैसे ड्रॉ करना है, किस तरह से लिखना है, कैसे डिफाइन करना है? जस्ट टेल मी. यस नो कि नहीं समझा फिर से क्लास लो, ये वो दुनिया भर की बातें सर फिर से बताना. तो मतलब ये एक्चुअल कंडीशन में कैसे एक्ट करेगा? ये एक्चुअल ही कंडीशन में तो अच्छा पहले मतलब तुम मुझसे क्या चीज पूछ रहे हो, फिर से क्या चीज बताओ. जस्ट चलिए सर मतलब ये सब मतलब जितने भी कंडीशंस है अभी कैसे? हाँ तो अब ये सब कंडीशंस को छोड़ो, दीज आर कंडीशंस डिपेंड्स ऑन
ऑन द सर्कल पार्ट, ठीक है, कि आपका सर्कल कैसे बन रहा है ये रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सर्कल बन क्यों रहा है ये जानने के लिए आपको ये जो कंडीशन है इसको देखना पड़ेगा कि मोहर सर्किल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बना। तो जस्ट टेल मी आदित, आपको ये इक्वेशन क्लियर थी क्या? हाँ सर। ठीक है, अब आपने जैसे ही ये इक्वेशंस को बनाया, आपने इस इक्वेशंस के बेसिस पे एक सर्किल ड्रॉ किया इसमें से आपको सिग्मा वन की वैल्यूज और सिग्मा टू की वैल्यूज इसी इक्वेशन से मिलेगी कि इस प्लेन पे, देखो इस प्लेन पे जो सिग्मा एन की वैल्यूज है यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो है क्या? हाँ सर। तो इस पर्टिकुलर प्लेन को ही आप प्रिंसिपल प्लेन बोल रहे हो क्या? हाँ सर। इसका जो मैक्सिमम सर्किल जो पॉइंट होगा इस प्लेन पे, जो मैक्सिमम जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो सिग्मा वन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी पर्टिकुलर प्लेन का जो मिनिमम वैल्यूज होगा वो सिग्मा टू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है, अब आप यहाँ से यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो ये रेडियस ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल हुआ ना सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, और उसको डिवाइड करेंगे टू से तो वो रेडियस बन जाएगा। तो अब जितना भी वैल्यूज आप इसके ऊपर जाते जाओगे ये शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम कब है? जब यहाँ पे आपकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करे, राइट। अब आप ये देखो ये क्या रेडियस ऑफ द सर्किल ही है ना, तो आपको अगर डायमीटर पता है डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू रेडियस ऑफ द सर्किल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब देखो केस वन को समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि आपका सिग्मा वन अगर टेंसाइल है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आपका टेंसाइल नेचर का मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, अगर आपका नेगेटिव है तो कंप्रेसिव नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी? नेगेटिव। तो आपका एक्स पॉजिटिव है या एक्स नेगेटिव है ये इस बात से डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम टेंसाइल है या कंप्रेसिव। अगर एक्स पॉजिटिव है तो आपका वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, अगर दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव है मतलब सिग्मा वन की वैल्यूज और सिग्मा टू दोनों टेंसाइल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर दोनों ही कंप्रेसिव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बन गया है, एक टेंसाइल है तो जो टेंसाइल वैल्यू से वो सिग्मा वन को रिप्रेजेंट करेगी, कंप्रेसिव वैल्यू है तो सिग्मा टू, तो इस डायरेक्शन में आएगी, इनका डिफरेंस ही हमेशा बना रहेगा ना। तो इसका सेंटर से आपको एक सर्कल ड्रॉ होगा जो डिफाइन हो जाए। क्लियर है आदित्य यहाँ तक? अब देखो एक स्पेशल केस डिफाइन किया जिसमें हमने बोला प्योर शियर। देखो प्योर शियर की वैल्यूज में सिग्मा वन की वैल्यूज हमने टाउ एक्स वाई डिफाइन की थी क्या? यस। सिग्मा टू की वैल्यूज माइनस टाउ एक्स पर डिफाइन की थी क्या? यस। इसका मतलब सिग्मा एन के केस में ये सिग्मा वन बन जाएगा और ये सिग्मा टू बन जाएगा, और ये इनका सेंटर यहाँ पे जीरो जीरो, ये आपका सर डायमीटर बन जाएगा और रिफ्लेक्टिव पार्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो इसी का एक पार्ट है जब थिन सिलेंडर जो है, देखो थिन सिलेंडर और थिन स्फेरिकल शेल, थिन सिलेंडर में आपका जो हम ये कंडीशन हम आगे बढ़ेंगे थिन सिलेंडर्स के केस में, आपके दो स्ट्रेस डेवलप होते हैं, एक सिग्मा एल जो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे होता है, एक सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन। तो जो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन पे जो आपको स्ट्रेस मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड होता है पी आर बाई टी, और जो लॉन्गिट्यूडनल में होता है पी आर बाई टू टी, समझे। अब देखो कि इसके केस में सिग्मा वन की वैल्यूज आपको पी आर बाई टी मिल रही है, तो ये हाफ ऑफ दिस वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक सर्किल बन जाएगा ना यहाँ पे, सिग्मा वन क्या है सिग्मा टू क्या, दोनों पॉजिटिव दोनों टेंसाइल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप थिन स्फेरिकल शेल की बात करते हो तो चारों तरफ जो है ये हाइड्रोस्टैटिक यानी कि आइसोट्रॉपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, हर जगह सिग्मा वन, तो भाई सिग्मा वन की वैल्यूज भी वही है सिग्मा टू की भी वैल्यूज भी यही है, इसका मतलब ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यस और नो? हाँ सर। और उसी को हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी बोला जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो जस्ट टेल मी कि आई बिलीव आपको मोहर सर्कल्स के बारे में और प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में चाहिए थोड़ा इंफॉर्मेशन हुआ होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन 100% कंप्लीट नहीं है,
बट मेजोरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। अब हम स्लोली स्लोली चीजें के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, थर्ड चैप्टर जो है अभी हम वो थिन सिलेंडर्स पे आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब आप थोड़ा सा अपना पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। आज की देखो हमने कुछ गेट के क्वेश्चन सॉल्व किया, यस और नो? तो आप पहला चैप्टर का गेट का टॉपिक का आज पूरा कंप्लीट करो, जस्ट कंप्लीट इट।